चलो सेट करो। उसको भी देखो पल्ले को। करो स्टार्ट, ये ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे आज हमने साल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन और रिडक्शन ऑफ फिनोल चेक करना है जी। और बेटे कौन इन्वॉल्व हो रहा है? फिनोल का OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। तो लिख रहा हूँ बेटे, इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है? द फिनोल रिएक्ट्स विद फिनोल, रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म, और क्या बनाने के लिए बेटे? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट बना लेती है एंड वाटर बना लेती है। इस केस में, इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर फिनोल बेटे, रिएक्शन के अंदर फिनोल बेटे क्या काम करती है? एक्ट्स एज एसिड, ये एसिड के तौर पे काम करती है। एंड NaOH एज बेस, और NaOH एज बेस के तौर पे काम करती है। तो बेटे ये हमने लिखा फिनोल, फिनोल का रिएक्शन कैसे कराना है हमने? ये बेटे हम करा देंगे बेटे NaOH के साथ। तो बेटे कौन एसिड कौन बेस नज़र आ रहा है बकायदा? और बेटे ये वाले हमारे पास पोर्शन ये आ गया कि फिनोल का एच रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया बेटे? सोडियम से रिप्लेस हो गया है, सोडियम आयन से बेटे। तो ये साल्ट बन गया, प्लस क्या बन गया होगा बेटे? ये वाला OH, ये एच इकट्ठा हो गया तो वाटर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम फिनऑक्साइड जो हमारे पास बना है, सोडियम फिनऑक्साइड, सोडियम फिनऑक्साइड असल में कौन है बेटे? साल्ट है। और बेटे बाकी फिनोल NaOH का तो आपको पता ही है कौन फिनोल है कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एस्टर फॉर्मेशन, तो एस्टर बेटे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर जाए ना, और बेस की मौजूदगी में तो एस्टर बन जाता है। तो लिख रहा हूँ बेटे फिनोल, फिनोल जो है बेटे रिएक्ट्स विद, रिएक्ट कर जाती है, किसके साथ रिएक्ट कर जाती है? विद एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफ बेटे NaOH टू फॉर्म एस्टर, और उसके नतीजे में टू फॉर्म एस्टर, और उससे क्या बन जाता है? उससे बेसे एस्टर बन जाता है। ज़रा गौर करना बेटे, मैं फिनोल बना रहा हूँ, फिनोल को मैं इस रुख देखिए बना रहा हूँ, OH मैंने यहाँ लगा दिया बेटे, और एसिटाइल क्लोराइड मैं उल्टा बना रहा हूँ बेटे, उल्टा बना दिया। देख लो बेटे ये एसिटाइल क्लोराइड, लिखना तो CH3COCl था, मैंने CLCO CH3 बना दिया। और ये वाला पोर्शन बेटे गया है उतर, कौन उतर गया बेटे? H फिनोल वाला, Cl एसिटाइल क्लोराइड वाला। और बेटे किसकी प्रेजेंस में ये सारा कुछ हो रहा था? NaOH, असल में जो HCl बनता है उसको ये बेटे कंज्यूम कर लेगा ना NaOH, तो HCl उतरा, इन्हें जोड़ दो सारी चीज़ों को बेटे। ये देख लो बेटे मैंने फिर फिनाइल वाला रिंग बना दिया, रिंग के साथ क्या किया बेटे? O लगाया, ठीक है, ये वाला O इसके साथ था, C डबल बाड ओ सी एच थ्री इधर से आया हुआ है, और बेटे C डबल बाड ओ सी एच थ्री बेटे उधर से आया हुआ है, और प्लस क्या है बेटे? प्लस HCl, ये लहदा लिख देता हूँ HCl। तो ये क्या बन गया बेटे? इतना हिस्सा बेटे एसीटेट है, एसीटेट, तो नाम बन गया बेटे फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। गौर करो बेटे कि अगर आपका ये एसिटिक एसिड का हिस्सा होता इतना, तो इसका सिर्फ एच उतरा हुआ, इधर कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर बेटे कार्बोक्साइल ग्रुप का ओ जुड़ जाए सी से, तो समझो हमारा ये एस्टर होता है, तो HCl बेटे ये बन गया हुआ है, दूसरा रिएक्शन हमारा बेटे बन गया। तीसरे नंबर पे रिडक्शन ऑफ फिनोल हम करने लगे हैं बेटे, रिडक्शन ऑफ फिनोल कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बेटे होगी। द
फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाती है? द फिनोल, ये जो फिनोल है बेटे, ऑन डिस्टलिंग विद, अगर उसकी डिस्टिलेशन कर दी जाए, डिस्टलिंग विद जिंक, गिव्स बेटे दे देती है बेंजीन, ये हमें बेंजीन बेटे दे देती है। इट इज रिडक्शन, ये असल में रिडक्शन ऑफ फिनोल है, रिडक्शन ऑफ फिनोल, ये फिनोल की रिडक्शन है विद जिंक, जिंक के साथ फिनोल की रिडक्शन हो गई। बेटे ये मैंने लिखा है बेंजीन रिंग बना लिया, और इसके बेटे एक चुतरा था वहाँ OH लग गया, प्लस बेटे ZN, इसको हमने हीट कर दिया, डिस्टल कर दिया, रिजल्ट क्या निकला बेटे? इस ZN ने इस O को बेटे, ZN ने क्या किया वाला, ZN ने इस O को उतार लिया यहाँ से। अब मुझे बताओ, O तो उतर गया, H तो वहीं है, तो वो बेटे कौन बन गया? इसका मतलब है कि हमारे पास कौन बना हुआ है, वो बेंजीन बन गई बेटे। तो मैंने लिखा बेटे बेंजीन प्लस क्या बनेगा बेटे, ZNO। इसको और आसान करते हैं, या बेटे ऐसे भी तो हम कह सकते हैं C6H5OH+ZN, और बेटे इसे हमने डिस्टल कर दिया, C6S6 बन गया, C6 5, और ये वाला H6 O जिंक के साथ जुड़ गया, बाद क्या बन गया बेटे ZNO, और आपको पता है ये C6S6 कौन है, दैट इज बेटे बेंजीन। अब हम देखते हैं बेटे कि बेंजीन के वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाए, तो देखते हैं बेटे वो कौन कौन से रिएक्शन है। तो ये बेटे हमारे पास, हमने फिनोल बना ली है बेटे, और OH भी लगा ली है, लेकिन हम निशान क्या लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी अब रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो गया, OH इन्वॉल्व हो गया, ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो गया, और इसके बेटे हम कुछ हिस्से करने लगे, देखते हैं कौन कौन से पोर्शन इसके हम कर लेते हैं, और उनके रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, HNO3 के साथ हम बेटे रिएक्शन करा रहे हैं, किसका बेटे, फिनोल का, और हम कह रहे हैं इसमें तो रिंग इन्वॉल्व होता है, हम तो बता रहे हैं कि इसमें रिंग इन्वॉल्व होता है, तो देखते हैं बेटे किस तरह से ये डिल्यूट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किस तरह से ये करता है। तो देखते हैं बेटे, द फिनोल रिएक्ट्स विद, फिनोल रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट्स विद डिल्यूट एंड डिल्यूट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है बेटे, टू प्रोड्यूस नाइट्रो कंपाउंड्स, ताकि बेटे नाइट्रो कंपाउंड्स बना ले, एज शोन गिवन बिलो, जिस तरह हम बेटे बताने लगे हैं, एज गिवन बिलो, जिस तरह हम बेटे बता रहे हैं, देखते हैं किस तरह नाइट्रो कंपाउंड्स बेटे हमारे पास बनते हैं। तो बेटे मैंने ये ले लिया है फिनोल, और बेटे हमें याद आ रहा है कि ये जो OH ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो बेटे मैंने 2 मोल HNO3 के लगाए हैं, और बेटे 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा दिया, तो बेटे 2 दफ़ा फिनोल आपने बना लेना है, ये देख लो बेटे 1 दफ़ा फिनोल बन गया, फिर बेटे दूसरी दफ़ा भी हमने 2 दफ़ा फिनोल बन गया बेटे, ये फिनोल बना लिया, और बेटे फिर क्या हुआ बेटे, ये जो था ये HONO2 था, तो NO2 और OH समझ लो, OH और NO2, NO2 कहाँ कहाँ लग गया बेटे, देखो आर्थो पर लग गया, आर्थो पर बाण बना के बनाना है, ये बनाया हुआ मैंने बाण, और पैरा पर लग गया, आर्थो पैरा पे, और कितने वाटर बन गए, 2H2O बेटे बन गया है, नाम इसके क्या हो जाएंगे बेटे, आर्थो नाइट्रो फिनोल, और बेटे दूसरे को क्या कह रहा हूँ, पैरा
नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, वाटर तो खैर है ही है वो बेटे लिख दिया। और ये कौन था जिससे हमने स्टार्ट किया था बेटे, फिनोल से। अब देखते हैं कि अगर हम थोड़ी सी कंडीशन बदल दें, कंसंट्रेटेड कर दें और मोल रेशो हम ज़रा कंट्रोल कर लें, वन मोल और बेटे 3 मोल HNO3, तो बेटे HNO3 ने NO2 देना है ना बेटे, NO2 देना है और हीट कर देंगे तो बेटे देख लें ये फिनोल फिर हमने बना दी है और फिनोल में OH भी लगा दिया है, लेकिन कहाँ कहाँ NO2 लगा, आर्थो पे, पैरा पे, फिर आर्थो पे, तो मैं NO2 लगा रहा हूँ। कितने NO2 लग रहे हैं बेटे, 3, एक NO2 इधर लग गया, एक यहाँ पे लग गया और तीसरा NO2 बेटे इधर लग गया, और बेटे ये लगा दिए हमने 3 NO2 बेटे, और प्लस कितने वाटर बने बेटे, 3 H2O। क्या फिनोल से क्या बन गया बेटे, गौर करो बेटे, OH एक नंबर है और 2 पर कौन है बेटे, NO2, 4 पे कौन है NO2, 6 पे कौन है NO2, नंबर 1 ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इसका नाम है, लेकिन बेटे पॉपुलर नेम कौन है, पॉपुलर नेम इसका है बेटे पिक्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, येलो कलर्ड होता है, पिक्रिक एसिड बेटे इसका नाम है, तो ये हमने बना दिया बेटे पिक्रिक एसिड। तो पहली किस्म हो गई रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं बेटे कौन कौन सी बेटे हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाती है, इस पर गौर करिएगा बेटे। सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन वो क्या हुई थी ऊपर, नाइट्रेशन, अब हम कर रहे हैं सल्फोनेशन, और बेटे ने ऊपर जो लिखा है वो कौन था, दैट इज नाइट्रेशन, आपको पता है ये कौन है बेटे, नाइट्रेशन, ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से है, इसको बेटे हम नाइट्रेशन भी तो कहते हैं ना, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, कोई कह सकता है मैं जी नाइट्रेशन ऑफ फिनोल पे नोट लिखो, फिर ये लिखना पड़े। अब बेटे फिनोल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है, द फिनोल रिएक्ट्स विद फिनोल, फिनोल रिएक्ट कर लेती है, रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्ट करती है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बेटे, और उससे बनाती क्या है भला बेटे, उससे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो फिर क्या बनाने का, टू फार्म, ताके बना ले, और क्या बना ले बेटे, 2 चीज़ें बना ले, टू फार्म आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो भी बनाएगा पैरा भी बनाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो पहली बात क्या बनाएगा बेटे, आर्थो हाइड्रोक्सी में वो उसी तरह लिखता हूँ वो टेढ़ा सा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक बनेगा, और दूसरा कौन बनेगा बेटे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये दूसरी चीज़ बेटे हमारे पास बनेगी, आर्थो और पैरा, चेक करते हैं बेटे, ये हमने बेटे लिया है बेंजीन और इसके ऊपर OH लगाया हुआ है, और आपको पता है OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये मैंने बेटे 2 मोल ले लिए, गौर कर लो बेटे फिनोल 2 मोल, कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के डालें बेटे, 2 मोल डालें, 2 मोल डाल दिए बेटे, 2 मोल H2SO4 के भी डाल दिए, और आपको पता है ना ये SO3 का सोर्स है बेटे, हीट भी कर दिया, 2 बना लो बेटे, ये फिनोल 2 बनाने हैं आपने, 1 बना लिया बेटे फिनोल, इसमें लगा लो OH, और 1 और बनाओ बेटे, ये भी फिनोल बन गया बेटे, इसमें भी हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी OH लगा लिया। अब मुझे बताओ बेटे ये वाला आर्थो है ये वाला पैरा है, क्योंकि OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मैंने SO3H यहाँ पे लगा दिया और बेटे SO3H यहाँ पे लगा दिया और 2H2O ये 2 बन गए बेटे। अब बताओ पहले वाला कौन था, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
और दूसरा बताओ कौन सा है, पैरा वाला बेटे, इसका नाम है आर्थोहाइड्रोक्सी, वो आप खुद नाम लिख लोगे, और इसको क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पूरे नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं बेटे, तीसरे नंबर पे बेटे हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बेटे, बरोमीन वाटर के साथ, ठीक है जी, और इको सोल्यूशन फिनोल का बरोमीन वाटर से रिएक्ट करे तो क्या बनता है, इको सोल्यूशन ऑफ फिनोल बेटे। अब बेटे बरोमीन वाटर टेस्ट, बरोमीन वाटर टेस्ट इसे कहते हैं, ये बेटे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, ये बेटे पहचान वाला टेस्ट भी है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचान वाला, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका बेटे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये बेटे, फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इको सोल्यूशन ऑफ द इकोस पानी में, सोल्यूशन ऑफ फिनोल, सोल्यूशन ऑफ फिनोल का जो सोल्यूशन है बेटे रिएक्ट्स विद बरोमीन वाटर, ये रिएक्ट कर जाता है विद बरोमीन वाटर, बरोमीन वाटर से बेटे क्या बनाने के लिए, टू फार्म वाइट पीपीटी, ताकि बना ले वाइट पीपीटी, सफ़ेद रंग के प्रेसिपिटेट किसके बेटे, ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल बनाएगा। और ऊपर मैंने क्या लिखा बेटे, ये तो एक टेस्ट भी है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो देखते हैं बेटे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अगर है तो बेटे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम बेटे इसे किस तरीके से देखते हैं, गौर करना बेटे। तो ये पैरा जो है बेटे, पैरा इसका मैंने नाम लिख दिया, आगे नाम नहीं बताए। अब बताओ बेटे ये वाला फिनोल हो गया, फिनोल में क्या डाला बेटे हमने, फिनोल के अंदर बेटे 3Br2 डाले, और बेटे Br2 डालने के बाद क्या हो गया बेटे, फिनोल तो कायमो दायम है, वैसे का वैसा है फिनोल बेटे, एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया, और एक Br यहाँ लग गया, तो ये हमारे पास, और 3HBr हमारे पास ये प्रोडक्ट में एक और हासिल हो गया। तो ये पहले जो बना है हमारा, 3Br लगे हुए हैं, ये कौन है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, इसे ट्राइब्रोमो फिनोल कहते हैं, ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी हाइड्रोजिनेशन करें रिंग की, तो फिर क्या हो जाएगा निकल की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, रिडक्शन ऑफ, चौथे नंबर पे बेटे हम लिख रहे हैं रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन कर रहे हैं फिनोल की, रिडक्शन या बेटे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल, फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करनी है बेटे, तो देखते हैं इससे हमारे पास क्या बनता है बेटे। तो बेटे द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की रिडक्शन विद किसके साथ बेटे, हाइड्रोजन और निकल के साथ, एट 150 डिग्री सेल्सियस गेव्स, दे देती है साइक्लो, ये हमें दे देती है बेटे क्या चीज, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल दे देती है, आ गया। तो बेटे हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ये चीज बनी है, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। देखो बेटे उधर हमने बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग तो नहीं है बेटे, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या ऐसे नहीं लिखना, ये तरीका भी है बेटे, गौर करो, C6H5OH में हमने 3H2 डाल दिया है, और किसकी मौजूदगी में, निकल एंड 150 डिग्री सेल्सियस, जवाब हमारे पास क्या आ गया, C6 और बेटे 3 × 2 = 6, 6 और 6 और 5 11 C6H11OH, ये हमारा एक और प्रोडक्ट हमने बना दिया। इसको कहते क्या है बेटे, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोल, ऊपर मैंने लिखा है, तो ये साइक्लोहेक्सेनोल है बेटे, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल है, ये भी साइक्लोहेक्सेनोल है, कार्बन 6 पूरे के पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, अब हर कार्बन के साथ दो दो एच हैं,
2, 4, 6, 8, 10 और इसके साथ एक है 11 हो गए बेटे, इसका नाम भी साइक्लोहेक्सेनोल है। तो ये बेटे इसके वो रिएक्शंस हो गए जिनमें OH इन्वॉल्व होता था वो भी हमने कर लिए, जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता था वो भी हमने कर लिया। तो सिंगल हमारा रिएक्शन और यूजेज रहते हैं, ये कल कंप्लीट हम कर लेंगे और एक्सरसाइज को भी इसके टच कर लेंगे जी। थैंक यू वेरी मच बेटे।